सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो BIT के ऊपर है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिसरा, और नॉट पिलानी। पिलानी और मिसरा बहुत ही अलग है। मैं यहाँ पर मिसरा की बात कर रही हूँ जो कि है रांची में, और ये बहुत ही प्यारा कॉलेज है, बहुत ही अच्छा कॉलेज है। पर मैं हमेशा बोलूँगी कि इसको आप अपना हमेशा सेकेंड ऑप्शन बना के चलना। फर्स्ट ऑप्शन आपका NIT होना चाहिए अगर आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेनी है, लेकिन BIT सेकेंड ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास हमेशा होना चाहिए। हम एक को टारगेट लेके नहीं चल सकते हैं, लाइफ में कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चलता है। तो यहाँ पर मैं अगर पेपर की बात करूँ तो एग्जाम ड्यूरेशन 2 आवर्स का होता है। यहाँ पर 4 सेक्शन होते हैं। पहला है मैथमेटिक्स, देन कंप्यूटर अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, इंग्लिश। सो पर क्वेश्चन जो मार्क्स आपको मिलेगा अगर आपका करेक्ट होगा तो वो +4 आपको मिल जाएगा, और अगर आपका रॉन्ग होगा तो वो 1 मार्क्स कट जाएगा आपका। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। ओके, सो यहाँ पर देखा जाए तो मैथमेटिक्स का 60 क्वेश्चन। मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है यार, अगर आपको MCA करना है तो मैथ्स आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो मैथमेटिक्स यहाँ पर 60 है, एनालिटिकल एबिलिटी का 20, बाकी सबका सेम ही है। और अगर मैं यहाँ पर आपको फीस की बात करूँ तो इसका जो फीस है वो ऑलमोस्ट 5 लाख हो जाएगा इसका टोटल करके। ये पर सेमेस्टर मैंने फीस बता रखी है, 4 सेमेस्टर होंगे क्योंकि ये सेमेस्टर बेस्ड है, और 4 सेमेस्टर होंगे आपके 2 साल में। प्लेसमेंट की बात देखिए, अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको सबसे बड़ा यही मिलेगा कि मैक्सिमम पैकेज आपको 49 मिलता है और एवरेज पैकेज आपका 11.76 है। ओके, बट अब ये तो लिख दिया, या अब ये 49 किसी एक बच्चे को मिल गया होगा और 11 किसी एक बच्चे को मिल गया होगा, किस कोर्स से मिला है ये इतना नहीं दे रखा है। और मैंने जो बाहर जो थंबनेल में लिखा है 50 लाख और 8.05, तो वो रियलिटी है। MCA का मैक्स पैकेज 8.05 लाख गया है और किसी किसी को 12 भी मिला है, आई गेस, दैट्स आई एम नॉट श्योर। बट अगर मैं आपको इसका प्लेसमेंट का पूरा डेटा दिखाऊँ तो वो, एक मिनट, यहाँ पर ये देखिए। तो यहाँ पर आपने देखा होगा भी रिसेंटली एमडॉक्स में 18 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। और फिर यहाँ पर ये देखिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन में ये MCA वाला पार्ट है, आपको बिल्कुल लास्ट में देख सकते हैं आप। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप देख लेना। ये सारी डिटेल है, आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर प्लेसमेंट कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की हुई है। अगर आप नोट करें तो सबसे ज़्यादा प्लेसमेंट MCA में बहुत कम है। ओके, बड़ी बड़ी कंपनी ने MCA के बच्चों को उठाया है जो टैलेंटेड है। आपको वहां पर कोई स्पून फीडिंग नहीं करने वाला, आपको अपना 100% देना है, आपको बहुत मेहनत करनी है, तब जाके आपको एक अच्छी कंपनी मिल सकती है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं BIT में जाऊंगा मेरा अच्छा पैकेज लग जाएगा आराम से, तो ये नहीं है, आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आप उन बहुत सारे बच्चों में अलग से दिखेंगे। आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा हमेशा। तो मेरा ये रीज़न था। एक्चुअली मेहनत तो आपको सब जगह करनी पड़ेगी, बट फिर भी NIT जो है मेन, MCA में ज़्यादा उसका फोकस किया जाता है, लेकिन अभी BIT में बहुत सारे कोर्स है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो MCA का है वो ठीक है, बट मेन NIT ही होना चाहिए फोकस, इसलिए मैंने बोला था। तो यहाँ पर इसके बेसिकली मेन जो है वो मिसरा है, बाकी इसके 4 कैंपस है, एक जयपुर, लालपुर, नोएडा, और ये जो 45,120 है ये सीट्स है, इतनी सीट्स। लालपुर में सबसे ज़्यादा सीट है, फिर नोएडा में है, मिसरा में है और जयपुर में है। अगर इसकी हम बात करें रैंक कट ऑफ इन सब की, तो ये 3 फैक्टर डिपेंड करता है। इसका 3 फैक्टर का मतलब मैं बताती हूँ। अगर फर्स्ट फैक्टर है कि आर यू ओपन टू टेक ऑल ब्रांचेस और डू यू वॉन्ट ड्रॉप टॉप ब्रांचेस, सो कट ऑफ रैंक्स फॉर सच ब्रांचेस आर हायर देन अदर्स। अगर आप CSE, IT और EC की बात करो तो इसके रैंक्स ऑब्वियसली इसका बहुत ज़्यादा होता है, इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा होता है। फिर इसका सेकेंड फैक्टर होता है कि व्हाट इज़ योर स्टेट ऑफ डोमिसाइल फॉर अ स्टूडेंट ऑफ झारखंड। अगर झारखंड से हैं आप तो आपका कट ऑफ काफ़ी लोअर रहेगा और आप आराम से क्लियर कर सकते हैं। अदर स्टेट के जो बच्चे हैं उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट झारखंड के बच्चों के लिए बहुत ईजी है। एंड देन थर्ड फैक्टर जो है कि व्हाट इज़ योर कैटेगरी फॉर जनरल स्टूडेंट, कट ऑफ इज हायर देन स्टूडेंट्स ऑफ अदर कैटेगरी। जनरल बच्चों के साथ हमेशा अत्याचार होता है, ये तो आप सबको पता ही है। तो यही था पूरा डिटेल। कैंपस बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है वो, सेकेंड टॉप में हम उसको ले सकते हैं, बट NIT आप हमेशा अपने फर्स्ट पे रखना। और जो आप इसका पेपर है, तो इसका सिलेबस, अगर आप सिलेबस की बात करें तो मैंने NIT की वीडियो बनाई है,
निमसेट की, अगर आप वो देख लेंगे, उसमें मैंने पूरा सिलेबस अच्छी तरह लिख रखा है, आप अगर वो देखते हैं तो आप उससे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सेम है। अगर आप NIT क्रैक कर सकते हैं, और NIT क्रैक भी नहीं हो तो आपने NIT के लिए जो प्रिपरेशन किया है वो BIT में काम आ जाएगा, क्योंकि बहुत ही सेम है। अगर आप उसके लिए प्रिपरेशन करते हो तो इसका भी क्लियर कर लोगे। ठीक है, ड्यूरेशन की बात हो गई, आपको प्लेसमेंट का मैंने बता दिया है। प्लेसमेंट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा तब जाके आपको मिलेगा, और बेसिकली ज़्यादा कंपनीज कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग वालों को उठाती है। तो या आप डिसाइड कर लेना आपको क्या करना है। और आई गेस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताऊं तो इसमें जो है आपको BCA आपका होना चाहिए, BCA या फिर BSc कंप्यूटर साइंस, ये सब कोर्स आपको करके, आप आई मीन यू शुड बी अंडर ग्रेजुएट, और जो इस पे आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में वो मिनिमम 55% होने ही चाहिए, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। तो ये मैंने पूरा डिटेल बता दिया है, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय, टेक केयर।